ये है तस्वीर। तस्वीर जो हमारे अतुल्य भारत की किसी एक जगह की तस्वीर होती है, जिसे हम इस तरह से उकेरते हैं कि जब आप वहां पर जाएं आपको लगेगा कि चप्पा चप्पा पहचाना हुआ है। तो आज किसकी तस्वीर उकेरने वाले हैं हम भाई, उसके बारे में इतना बताना जरूरी है कि जून जुलाई में यहाँ जो बारिश होती है वो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ देती है। और जैसे ही हम वहाँ का नाम लेते हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि हमेशा गीली रहने वाली जगह है और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, देखने का मन सुनने से ही कर जाता है उसका नाम लेने से। लेकिन कौन सी है बताएंगे पहले ये गीत उसी को याद करते हुए। और हाँ, मैं हूँ पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से। बस रिमझिम रिमझिम वहां पर होती रहती है, बारिश होती रहती है, इसीलिए उसे कहा जाता है द वेटेस्ट प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेरापूंजी की, जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा भी है। भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक स्थान जो शिलोंग से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूरी दुनिया में मशहूर है। हाल ही में इसका नाम बदलकर चेरापूंजी रखा गया, सोहरा से चेरापूंजी भी रखा गया। तो ये जो जगह है चेरापूंजी, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सोहरा और चुर्रा भी इसे कहा जाता है, इसका मतलब होता है संतरों की भूमि। मेघालय की राजधानी शिलोंग की खासी हिल्स में स्थित है और यहाँ पर बेशक बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बारिश ही होती रहती है, बल्कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे चेरापूंजी के बारे में।
अगर बारिश की बात करें तो लगभग 450 इंच यानी 11,430 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा दर्ज यहाँ पर की जाती है। पर इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ खास है यहाँ के बारे में, जहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और तस्वीर सुनने के बाद जब आप वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जगह जानी पहचानी है। बस यही कोशिश हमारी होती है कि आपको जो भी जगह घुमाएं, ले जाएं, उसकी तस्वीर इस तरह से आपके मन में उकेर दें कि फिर आप वहाँ जाकर मुस्कुराएं और साथ ही साथ आकाशवाणी गोल्ड को भी याद करें। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। आते हुए कदमों से हरी रहेगी राह गुजर जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। हम गए
है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ऐसा नहीं चलेगा, बंटवारा कर दो अम्मा। हाँ अम्मा, बंटवारा कर दो। हाँ हाँ माँ, बंटवारा करो। अरे क्यों चाहिए परिवार में बंटवारा? अम्मा घर का नहीं, क्या कूड़े का बंटवारा करना है। साग सब्जी, सूखी पत्ती जैसा गीला कूड़ा हरे डिब्बे में और टूटा प्लास्टिक पन्नी आदि जैसा सूखा कूड़ा नीले डिब्बे में। तो ऐसा बोलो ना, गांव को स्वच्छ बनाना है। भाई मैं तो डर ही गई थी। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं, गीले कचरे को सूखे कचरे से अलग कर सही तरीके से निष्पादन करें और अपने गाँव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागा रे जागा रे जागा, जागा रे जागा रे जागा रे जागा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो बात हो रही है चेरापूंजी की, जिसे धरती की सबसे गीली जगह के रूप में जाना जाता है और हम सब इसी तरह से इसे समझते हैं, जानते हैं। वैसे इसको सोहरा भी कहते हैं और चुर्रा भी, जिसका मतलब होता है संतरों की भूमि। तो ये जो संतरों की भूमि है, यानी सोहरा, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। जब स्कूल में पढ़ते थे तो भूगोल की किताब में बेशक यही पढ़ते थे कि गीली जगह है, और ऐसी छवि निर्मित हो गई कि हर जगह हर वक्त यहाँ पर वर्षा होती रहती होगी, बारिश ही बारिश मिलेगी। लेकिन वास्तव में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक अलग सी छवि मिलेगी, क्योंकि वर्षा जो होती है, बारिश होती है, बहुत तेज होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वर्षा ऋतु में ही यहाँ जो बारिश होती है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर समय यहाँ बारिश होती रहे, यहाँ पर और भी अलग अलग तरह के मौसम भी होते हैं। सर्दियों के मौसम में तो यहाँ पर बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर पानी की गंभीर समस्या भी पड़ जाती है। तो अब घूमने की बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर आप जाएंगे तो आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा। जैसे आपको ले चलते हैं नोहका लिकाए झरना। ये जो झरना है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आसपास में हर वक्त आपको बादल नजर आएंगे और ऐसा लगेगा जैसे शायद वो आपको कहीं छू रहे हैं, और आप उनकी खुशबू भी महसूस कर सकते हैं। हर पल एक नया नज़ारा आपको लगेगा, बादल और उसके बीच में ये झरना। झरना जो है, पहले आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी और फिर छोटी छोटी झलक दिखाई देने देगी, और फिर उत्सुकता बढ़ते बढ़ते अचानक आपकी दृष्टि पूरे झरने पर पड़ेगी, और कई बार बादल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दृष्टि से ओझल भी हो जाता है। लेकिन है बहुत खूबसूरत, लगभग 1100 फीट की ऊंचाई पर है, भारत का सबसे ऊंचा और बेहतरीन झरना है। यहाँ की विशेषता और भी है, क्या विशेषता है, क्या खास है इस झरने के आसपास, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ अगर गीत भी चलते रहें, उनका आनंद भी लेते रहें, तो फिर क्या बात है। इसीलिए साथ में एक गीत और फिर इस बारे में और बातें। चमेली के मंडवे तले
हर पे वफा प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजरू फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजरु ताजदम फूल पिछले पहर। ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई। काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर, एक पल के लिए रुक गई। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। दिन में और रात में नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें, दिन में और रात में नूर जुल्मात में, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। ये बता चार गल तेरी जंबील में, तेरी जंबील में ये बता चार गल, ये बता चार गल तेरी जंबील में, तेरी जंबील में, नुस्खाए की मियाए मोहब्बत भी है, दावाए उल्फत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन तय है। मोदी सरकार की गारंटी, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगी पेंशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन का सहारा मिला। 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने उनके खाते में आएगी 3,000 रुपए की पेंशन। 18 से 40 वर्ष के कामगार जो 15,000 या उससे कम कमाते हैं इस योजना से जुड़ सकते हैं। कामगारों को पेंशन के लिए हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से जमा कराने होते हैं 55 से 200 रुपए। लाभार्थी की मृत्यु के मामले में पति या पत्नी को पेंशन मिलती है। आप भी योजना से जुड़ें और लाभ उठाएं। निःशुल्क नामांकन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं या फिर मानधन पोर्टल या उमंग ऐप से स्वयं नामांकन करें। कामगार पेंशन से भविष्य सुरक्षित बनाएं, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो बात हो रही थी चेरापूंजी की और हमने आपको बताया नोह का लिखाई झरने के बारे में। बहुत ही खूबसूरत झरना है और झरने के आसपास आपको बहुत सारे रंग बिरंगे फूल मिलेंगे। वैसे ये जो रंग बिरंगे फूल है ना, ये सिर्फ झरने के आसपास ही नहीं बल्कि चाहे सड़क के किनारे हो, घाटी हो या फिर हर घर का आंगन हो, कहीं भी आपको नजर आएंगे। देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी ने एक सुंदर सी कालीन, एक कारपेट बिछा दी हो। इन्हीं फूलों में आपको जो अलग अलग रंग हैं, इतने खूबसूरत चटकीले रंग नजर आएंगे कि आपको लगेगा कि शायद हर किसी ने यहीं से प्रेरणा ली है। पहाड़ियां हैं, बादल हैं और प्रकृति का एक बहुत सुंदर रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। खुले आकाश के नीचे बिखरी सफेद चादर जैसे बादल नजर आते हैं, हरी भरी पहाड़ियां, रंग बिरंगे फूल और इतने उज्जवल रंग शोभा बढ़ाते नजर आते हैं कि ये जगह अपने आप में बहुत आकर्षक हो जाती है। आसपास पहाड़ियां हैं और वहीं पर बहुत सारे झरने चित्राए हुए बिखरे हुए हैं, घाटियां भी हैं और हर घाटी के पास आपको किसी न किसी झरने की आवाज जरूर सुनाई देगी। झरना आसपास नजर भी आ जाएगा, इसलिए जब आप यात्रा यहाँ पर करते हैं और किसी स्थानीय व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं तो बहुत सारी रोचक कहानियां भी आपको सुनने को मिलती हैं जो इन झरनों से जुड़ी है, पहाड़ियों से जुड़ी है, जो संकुचित रास्ते हैं वहां से जुड़ी है। बस ऐसी ही ढलाने, ऐसी ही नदियां हैं, ऐसी ही पतली पतली रेखाएं हैं जो नदियां जो रेखाओं की तरह नजर आती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद अगर कहीं पर बस जाने को जी करे तो वो यही जगह हो सकती है। मेरी माया की धड़कन, हाँ
की देवी ने तारचिता पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार तम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश हो रम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश गीत तभी मन उठता है जब लगती है खे आ चल गा मैं साथ हूँ तेरे लेना टूटे सा न छूटे छूटे ये संसार पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मोदी सरकार की गारंटी PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना जिसके तहत वर्ष 2020 से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और अब भारत सरकार अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। हरियाणा सरकार का ये है नारा, हर जन हो खुशहाल हमारा। तुम भी सुनो और सबको सुनाओ, दवाई के साथ आर्थिक सुरक्षा पाओ। जी हाँ, अब हरियाणा सरकार HIV पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, जिसकी आय 2 लाख से कम है, उन्हें हर महीने 2,250 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। पर ध्यान रहे, पीड़ित व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो और निरंतर दवाई ले रहा हो। जीवन को मिलेगी खुशियों की दिशा जब योजनाओं से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। वित्तीय सहायताओं के लिए अपने नजदीकी
सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर संपर्क करें। HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो बात हो रही थी चेरापूंजी की या सोहरा की या चुर्रा की, और हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में बहुत ही नायाब है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर हम सब कुछ भूल गए हैं। बादल हमें छूते हैं और जो पेड़ पौधे हैं, जो खूबसूरत फूल हैं, वो ऐसा समा बांध देते हैं कि लगता है कि शायद सारी जो इंस्पिरेशन है, सारी प्रेरणा यहीं से ली गई है। वैसे यहाँ पर एक लाइव ब्रिज भी है जो बहुत ही खूबसूरत है और बायो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का एक बेहतरीन नमूना है। जानते हैं ये यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है बायो इंजीनियरिंग ब्रिज, जिस पर एक साथ 50 लोग गुजर सकते हैं। 2 मंजिला ब्रिज है और इसकी बनावट बहुत ही आकर्षक है। खासी और जयंतिया हिल्स में काफ़ी नमी रहती है, नदी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय रबड़ के बहुत सारे पेड़ भी पाए जाते हैं और इनकी जड़ें काफ़ी लंबी और मजबूत हैं। तो ये जो ब्रिज तैयार किया गया है, ये मेघालय के वर खसीस और वर जेनियास, ये 2 आदिवासी जो कबीले हैं उनमें उन्होंने तैयार किया है। ब्रिज जो है वो नदी के पास बना है और ये जो जड़ें हैं इन्हीं से ही ये ब्रिज को तैयार किया गया है, जो धीरे धीरे बढ़ती रही और ब्रिज और मजबूत होता गया। अगर हम बात करें यहाँ के खूबसूरत झरनों और गुफाओं की, तो हरियाली है और उसके बीच बहुत सारे खूबसूरत झरने हैं, और आपको झरने पसंद हैं तो ये एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन आपके लिए है। वाटरफॉल है जिनकी बनावट एक दूसरे से थोड़ी अलग है, लेकिन है बहुत खूबसूरत है। निकोल लिकाई वाटरफॉल की हमने बात की, 7 सिस्टर है, या कावा फॉल्स है, या वकाबा फॉल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। वैसे यहाँ पर एक इको पार्क भी है दोस्तों। इको पार्क मेघालय सरकार ने बनाया है, जिसमें बहुत से ऑर्किड के फूल हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ग्रीन हाउस में लगाए गए हैं ये फूल और शिलोंग एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने इसका जिम्मा लिया हुआ है। तो फोटोग्राफी अगर आपको बहुत पसंद है तो ये जगह आपके लिए बहुत नायाब रहेगी, बहुत खूबसूरत रहेगी। वैसे यहाँ का जो स्थानीय खाना है वो भी बहुत लोगों को आकर्षित करता है। क्या है ये और क्या ऐसी चीज़ है जो इसमें डलती है, जिसे मिलाकर लोग इसे चाव से खाते हैं, बताएंगे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक गाना। पे प्यार
घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। जी हाँ, आपकी अपनी वाणी है, आपके दिल की वाणी आकाशवाणी दिल्ली, और यह गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और बात हो रही थी चेरापूंजी की या सोहरा की, और वहाँ की जो ख़ास डिश है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ख़ास चीज़ मिलती है वो है पुलाव, जिसे सोहरा पुलाव भी कहा जाता है। एक ख़ास तरह का चावल है जिसे सब्जियाँ मिलाकर तैयार किया जाता है, और ख़ास बात यह है कि ये जो स्थानीय मसाले मिलाते हैं और जिस तरह से इसे परोसते हैं उसे देखकर बस मुँह में पानी आ जाता है। वैसे खाने की बात के अलावा अगर हम बात करें लोकगीत की, लोक नृत्य की, तो यहाँ पर खासी जनजाति जो है उसके लोग रहते हैं जो वसंत ऋतु का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बादलों को लुभाने के लिए लोकगीत और लोक नृत्य का आयोजन होता है जो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है, और इसे देखने के लिए वो बेताब रहते हैं। और क्योंकि ये बादल कभी भी बरस सकते हैं, इसीलिए यहाँ के स्थानीय लोग हमेशा बेंत के छाते लेकर चलते हैं। हमारे छाते थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग लेकर चलते हैं बेंत के छाते। और पहुँचे कैसे यहाँ पर ये भी आपको बता दें, तो कोलकाता से शिलोंग के लिए या दिल्ली से भी, हर जगह से शिलोंग के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और ट्रेन से जाना चाहते हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है ये निकटतम रेलवे स्टेशन है। यहाँ से सेहरा या चेरापूंजी लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से ये एक है। भारत के सभी भागों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो अहाती बस स्टैंड है, यहाँ से आप बस ले सकते हैं, सरकारी बस में भी सवार हो सकते हैं या निजी टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं। ये एक अन्य विकल्प है जो बहुत आसान है, और जिससे जब आप गुजरेंगे, जिससे जाएंगे, तो आसपास का जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत लगेगा। तो चेरापूंजी जो अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत है, ये एक बार अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद आपकी जो यात्रा की कहानियां हैं उनमें से एक कहानी मिस हो गई, इसलिए यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। बंदा परवर तुझसे मांगू आज मैं बस ये दुआ, बंदा परवर तुझसे मांगू आज मैं बस ये दुआ, खुश रहे हर पल तेरी दुनिया में हर बंदा तेरा, अल्लाह करे मौला करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को, दुआ है अल्लाह करे मौला करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को, दुआ है अल्लाह करे मौला करे अल्लाह करे मौला करे अल्लाह करे। अनमोल है ये यारों की यारी, अनमोल है ये यारों की यारी,
यारी पे कुर्बान ये उम्र सारी, प्यार तुम्हारा साथ नहीं तो है मेरी हस्ती क्या, दुआ है अल्लाह करे मौला करे, ओ मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को, दुआ है अल्लाह करे मौला करे, अल्लाह करे मौला करे अल्लाह करे। जिनके दिलों में औरों के गम है, हमदर्दी का यार शुक्रिया कैसे करूं अदा, दुआ है अल्लाह करे मौला करे, ओ मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को, दुआ है अल्लाह करे मौला करे, अल्लाह करे मौला करे अल्लाह करे। तस्वीर यहीं तक, इजाजत दीजिए पूनम को।